हिना खान बिग बॉस के घर की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी और अब फैशन आइकॉन बन चुकी हैं। लेकिन 3 महीने के सफर में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब वो किसी कॉन्ट्रोवर्सी में ना फंसी हो। आइए इस वीडियो में आपको ले चलते हैं बिग बॉस में हिना खान के सफर पर। बिग बॉस के घर में जाने के दूसरे ही दिन हिना खान ने खुद के लिए परेशानियां मोल ली। उन्होंने सभी घर वालों को कीश्वर मर्चेंट के बारे में एक बात बताई कि कैसे उन्होंने ऋषभ पंत के पानी में थूक मिला दिया था और उनका ऐसा करना ग्रोस था। ये वीडियो अनसीन वीडियो का हिस्सा था। हालांकि इसका पता जैसे ही कीश्वर को चला तो उन्होंने हिना खान को सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया। बिग बॉस के पहले हफ्ते ही हिना और विकास गुप्ता में जमकर लड़ाई हुई थी। हिना को विकास का ये अंदाज पसंद नहीं आया कि वो ये गेम अपने हिसाब से खेलने के लिए कह रहे हैं, इसलिए हिना ने उनसे किनारा कर लिया और ये बात साफ कर दी कि वो बिग बॉस के घर में इंडिविजुअल गेम खेलने आई है। हर बार ऐसा होता है कि बिग बॉस के घर में कुछ लोगों का ग्रुप बनता है और कुछ दोस्त बनते हैं। ऐसे ही बिग बॉस के घर में हिना खान की दोस्ती हुई प्रियांक शर्मा और लव त्यागी से, लेकिन दोनों से ही उनकी दोस्ती लगभग टूट गई। प्रियांक ना सिर्फ हिना बल्कि विकास के भी अच्छे दोस्त थे। ऐसे में जब हिना खान का साथ देने की बारी आई तो उन्होंने विकास गुप्ता को चुना। वहीं लव के साथ हिना की दोस्ती के बारे में बात करें तो हिना और प्रियांक के बीच बात हुई थी कि कैसे लव उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। वहीं हिना कहती है कि लव को पता है कि मैं पहले से ही रिलेशनशिप में हूँ, फिर भी वो ऐसा सोचता है। बिग बॉस ने भी ट्विस्ट लाते हुए ये क्लिप लव को दिखाई, जिसके बाद हिना लव पर भड़क गए, जिसके बाद से दोनों की दोस्ती धीरे धीरे टूट गई। इस पूरे सीजन में लोगों को हिना की एक ही बात परेशान करती रही कि वो जो बात कहती हैं कभी उसे याद नहीं रखती और बाद में कहती हैं मैंने ये कब कहा, चाहे वो किसी को लेकर उनका कोई स्टेटमेंट हो या बिग बॉस द्वारा कही गई कोई बात। हिना के इस आदत की वजह से ना वो सिर्फ बिग बॉस में बल्कि घर के बाहर भी कई लोगों के निशाने पर थी। हिना खान ने साउथ इंडियन एक्ट्रेसेस पर कुछ ऐसा कमेंट कर दिया जिसकी वजह से वो कई साउथ इंडियन स्टार्स से सोशल मीडिया पर ट्रोल हुई। हिना ने कहा था कि उन्होंने 2 साउथ इंडियन फिल्म्स को सिर्फ इसलिए मना कर दिया था क्योंकि उन्हें बल्कि एक्ट्रेसेस चाहिए थी, जिस पर बहुत बवाल हुआ। हिना खान बिग बॉस के घर में लगातार ऐसे बयान देती हुई नजर आई जो उनके ट्रोल की वजह बनती रही। उनसे रिलेटेड एक कंट्रोवर्सी खत्म होती कि एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती। बिग बॉस के दौरान एक वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने टीवी एक्ट्रेस साक्षी तन्वर, संजीदा शेख और गौहर खान के बारे में बात की। हिना खान कहती हुई नजर आ रही है कि गौहर खान के फॉलोअर्स उनकी तुलना में बहुत कम है, हालांकि सच इससे एकदम उल्टा है। यही नहीं बल्कि हिना खान ने अर्शी खान को इशारा करते हुए कहा कि साक्षी तन्वर भेंगी है। इसके अलावा संजीदा शेख पर भी उनका कमेंट चौंकाने वाला था। उनका कहना था कि संजीदा रियल लाइफ में तो काफी खूबसूरत है लेकिन पर्दे पर वो काफी अच्छी नहीं दिखती। हिना खान ने अर्शी खान के कपड़ों पर भी कमेंट करते हुए उनसे खूब लड़ाई की थी। बीबी की अदालत वाले टास्क में उन्होंने अर्शी खान पर ये आरोप लगाया कि वो लड़कों के साथ जिम करती हैं। हालांकि अर्शी खान ने हिना को करारा जवाब दिया था। हिना खान घर में रहने वाली पहली ऐसी कंटेस्टेंट थी जिन्होंने पुनीश और बंदगी के बीच ही नजदीकियों पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि आखिर बंदगी पुनीश के साथ कैसे रह सकती है, साथ ही साथ पुनीश के दांतों पर भी उन्होंने कमेंट किया था। घर में हिना की एक एक हरकत पर नजर रखे हुए थे करण पटेल, जिन्होंने लगभग रोज ही हिना खान के खिलाफ ट्वीट किया। ऐसे में उन्हें मौका मिला बिग बॉस के घर में जाने का। घर जाकर उन्होंने हिना से कहा, आप जो बात करती हैं और फिर मुकर जाती हैं, तो ये मत भूलिए कि बिग बॉस के घर में कितने कैमरे लगे हुए हैं और 130 करोड़ लोग आपको देख रहे हैं। करण जब ये बात हिना से कह रहे थे तब वो अपने फेस पर कई सारे एक्सप्रेशंस ला रही थी। बिग बॉस के घर में हिना खान और रॉकी का मिलना भी काफी इमोशनल रहा। हिना पूरी तरह से टूट गई और रोने लगी, लेकिन रॉकी ने उनसे अपने प्यार का इजहार किया और बिग बॉस के घर में पूरी तरह से ये फिल्मी सीन लग रहा था। टॉक टू द वॉल्स, वन आर्म डिस्टेंस। बिग बॉस के घर में हिना खान के ये दो वर्ड्स काफी फेमस हुए, चाहे वो आकाश ददलानी के साथ उनकी लड़ाई हो या फिर शिल्पा शिंदे के साथ। हिना खान को अक्सर इन वर्ड्स का यूज करते हुए देखा गया। बिग बॉस के घर में एक मौका ऐसा भी आया जब बार बार अंग्रेजी में बात करने पर टोकने के बाद भी हिना बिग बॉस को इग्नोर करती हुई नजर आई। तब बिग बॉस ने उन्हें इंग्लिश में समझाया। ऐसा बिग बॉस के इतिहास में पहली बार हुआ जब बिग बॉस ने घर में इंग्लिश बोली। बिग बॉस के घर में हिना ने भले ही बहुत ही कंट्रोवर्सी क्रिएट की हो, लेकिन उनका सफर बहुत ही दमदार रहा है। उन्होंने घर के हर टास्क में अपना 100% दिया है और टास्क जीतने की कोशिश करती हुई नजर आई हैं। चाहे वो दोस्ती हो, प्यार हो या फिर लड़ाई, बिग बॉस के घर में हिना खान के हर रूप देखने को मिले जो उन्हें बनाते हैं बिग बॉस जीतने का हकदार। वैसे आपके हिसाब से कौन बनना चाहिए बिग बॉस का विनर, नीचे कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और पिंक वाला हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए।